बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर, इससे पहले हम एलसी और आरसी ऑसिलेटर्स के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर को 1917 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर एम निकोलस ने इन्वेंट किया था। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर विच इज यूज फॉर द मैकेनिकल रेजोनेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग क्रिस्टल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे पहले पीजो क्या होता है, व्हाट इज पीजो। द वर्ड पीजो इज ग्रीक। द वर्ड पीजो इज अ ग्रीक फॉर प्रेशर। ग्रीक यूनानी ज़बान में पीजो को प्रेशर कहा जाता है, प्रेशर को पीजो कहा जाता है, ठीक है। पीजो इज अ ग्रीक फॉर प्रेशर एंड पीजो इलेक्ट्रिक मीन, पीजो इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रेशर। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रेशर एज वेल एज प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, मीन इट इज ड्यूअल कन्वर्जन प्रोसेस। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ सर्टन मटीरियल। कुछ मटीरियल जिनको हम पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर एबिलिटी होती है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ सर्टन मटीरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज, टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस, आई रिपीट, व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ सर्टन मटीरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल कौन कौन से हैं, यू मस्ट नो पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल कौन कौन से होते हैं। एक तो है जी क्वार्ट्स। क्वार्ट्स SiO2 इसको हम कहते हैं क्वार्ट्स। इसके अलावा होता है रोशेल साल्ट। रोशेल रोशेल साल्ट, इसके अलावा टर्मोलाइन, रोशेल साल्ट, ये भी क्वार्ट्स भी है, रोशेल साल्ट, इसके अलावा क्या है, टर्मोलाइन, टर्मोलाइन, TOURMALINE, टर्मोलाइन। उसके अलावा ये जो चीनी होती है इसको हम केन शुगर कहते हैं, गन्ने से
केन, शुगर केन से जो हमें चीनी मिलती है, केन शुगर। अच्छा, इसके अलावा केन शुगर, एक टुपैज है, ये सारी क्रिस्टल्स हैं। टुपैज, उसके अलावा बोन भी, जो हमारी हड्डियां होती हैं ना, हड्डियां बोन्स, ये भी जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, बोन एटसेट्रा। दीस मटेरियल्स शो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, मीन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अंडर प्रेशर। लेकिन इन सब में से जो हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो क्वार्ट्स को देते हैं। क्वार्ट्स इज प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर्स। रीजन रीजन ये है कि जो क्वार्ट्स है ना, एक तो ये नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग है। दूसरा जो क्वार्ट्स है ये जो है वो इनएक्सपेंसिव है, मतलब सस्ता है, महंगा नहीं है। तीसरा, ये जो लार्ज स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनएफ है, इस वजह से इसको हम यूज करते हैं। इट विल क्रिएट, मीन जब आप मैकेनिकल रेजोनेंस अप्लाई करोगे, मीन क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के ऊपर या टर्मल या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर जब आप स्ट्रेस लगाओगे, तो फिर वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद गिवन फ्रीक्वेंसी, ठीक, उन ऑसिलेशंस को जो प्रोड्यूस होगी क्रिस्टल के अंदर, तो उन ऑसिलेशन को उनकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, ठीक है, वक्त के बारे में जानने के लिए, वक्त के बारे में जानने के लिए, टू बी अवेयर ऑफ टाइम, दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स मस्ट बी डिजाइंड टू प्रोवाइड अ लोड कैपेसिटेंस, टू प्रोवाइड अ लोड कैपेसिटेंस। लोड कैपेसिटेंस क्या होती है? लोड कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट कैपेसिटेंस। लोड कैपेसिटेंस क्या है? लोड कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट कैपेसिटेंस इन पैरेलल विद द क्रिस्टल इटसेल्फ। क्रिस्टल के साथ पैरेलल में एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ द कैपेसिटेंस, एक्सटर्नल सर्किट कैपेसिटेंस इन पैरेलल विद द क्रिस्टल इटसेल्फ इज कॉल्ड लोड कैपेसिटेंस। तो लोड कैपेसिटेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर को आमतौर पे डिजाइन किया जाता है। याद रखिएगा, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है, प्रिंसिपल जो है ना क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ये याद रखनी है अपने बात, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो इसका जो प्रिंसिपल है क्रिस्टल ऑसिलेटर का, वो क्या है, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनवर्स ये पीजो यहां पे आना, पीजो PIEZO पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या है?
इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, प्रोसेस इन विच एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द क्रिस्टल सरफेस कॉजेज इट टू वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब जब हम एक एक क्रिस्टल क्रिस्टल लेंगे, हम जैसे मैंने कहा क्वार्ट्ज की क्रिस्टल, क्वार्ट्ज की क्रिस्टल है सपोज, इसको हम इन बिटवीन रखेंगे टू प्लेट्स के, और प्लेट्स के अक्रॉस हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। तो जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो प्लेट्स होंगी ये फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो करंट जो होगा वो वेरी करेगा, तो वो चेंज होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगी और ये जो ये क्रिस्टल होगी ये डिफॉर्म होगी और जनरेट करेगी ऑसिलेशंस अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके ये हमने अप्लाई करना यहाँ पे जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करते हैं, ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पे इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ऑपरेट करते हैं। इन विच क्या होता है, हमने क्या कहते हैं इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इन इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट an alternating voltage applied across the crystal surface causes it to vibrate at its natural frequency. It is these vibrations which eventually get converted into oscillations. In vibrations ko oscillation mein hum convert karwa lete hain. Jabki agar hum crystal ko oscillate karwayein, क्रिस्टल को वाइब्रेट करवाएं, तो ये वोल्टेज हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज देगी, जिसको हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इन विच एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द क्रिस्टल सरफेस कॉजेज इट टू वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो वर्किंग होती है क्रिस्टल ऑसिलेटर की, वो बेस करती है, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल, याद रखना है आपने, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर इज इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब किसी क्वार्ट के क्रिस्टल के को आप जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो वाइब्रेट करता है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये हम अप्लाई कर देंगे ना अक्रॉस दी क्रिस्टल, तो क्रिस्टल क्या करेगी, क्रिस्टल जितनी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस पे वो वाइब्रेट करेगी। यहाँ बीच में क्रिस्टल रखे, ये प्लेट्स हैं, ये दो मैंने बनाई हैं, ये दोनों प्लेट्स हैं, यहाँ बीच में जो है वो बनाई जाती है क्रिस्टल बनाई जाती है, क्रिस्टल रखी जाती है, तो जो क्रिस्टल होती है वो फिर वाइब्रेट करती है और उससे वो जो है वो ऑसिलेशन जनरेट होती है। आमतौर पर ये क्वार्ट्ज की क्रिस्टल जो है वो यूज़ की जाती है, ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, मैंने आपको बताई है काफ़ी सारी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है, रोशेल साल्ट, ठीक है, टर्मुलाइन, और उसके अलावा टोपाज और केन शुगर और क्वार्ट्ज, यूजली तौर आमतौर पे क्वार्ट्ज हैज़ द प्रॉपर्टी दैट इफ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन इट्स अपोजिट फेसेस, ठीक है, and a potential is applied across these,
the electric field also set up between to exert forces on bound charges within the crystal. ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आप जानते हैं, या चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में, जो बाउंड चार्जेस होते हैं क्रिस्टल के, तो उनके बीच में जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उसको ये फिर जो जो है फिर चेंज किया जाता है. एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल रिस्पॉन्ड्स इलेक्ट्रो मैकेनिकली, मतलब इट वाइब्रेट्स, इट वाइब्रेट्स. The crystal resonant frequency and its Q value या quality factor depends upon resonance frequency and Q factor depends upon its dimensions, orientation of its surface with respect to its axis and mechanical mounting. अच्छा, quality factor के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा प्रैक्टिकल्स में, तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो क्या है? क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स हाउ अंडर डैम्प्ड एन ऑसिलेटर इज. एक ऑसिलेटर डैम्प ऑसिलेशन के कितना जेर असर है, हाउ अंडर डैम्प्ड एन ऑसिलेटर इज, इस चीज की मेजरमेंट को कहते हैं क्यू फैक्टर. ठीक, और जितना क्यू फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना लो डैम्पिंग होती है, या उतनी लेस लॉस ऑफ एनर्जी होता है. डैम्पिंग आप जानते हैं ना, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो जितनी क्यू फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, और उतनी जो ऑसिलेशंस होंगी वो ज़्यादा वक्त में वो डाई आउट करेंगी, मतलब वो उनके जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत स्लो स्लो या बहुत ऐसा ऐसा वो कम होगा. डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम होता है ना, लेकिन जब क्यू फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी ना तो उस वक्त उसका जो ऑसिलेशन होगी वो जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी. ठीक है, तो क्यू फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. तो क्रिस्टल्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इट्स क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन dimensions, ठीक है, dimension of the crystals, orientation of its surface की उसकी orientation कैसी रखी हुई इस crystal with respect to axis and mechanical mounting, और उसको किस तरह जो है mount किया हुआ, चढ़ाया हुआ, किस तरह रखा हुआ plates के बीच में. Crystals are available with wide range of frequencies from few kilohertz to 100 megahertz तक, and with Q factors from few thousand to several hundred thousands. The resonant frequency of these crystals is extremely stable with respect to time and aging. Next, देखते हैं, the symbol for a crystal is shown in figure A. जैसा कि मैंने बताया था कि दो प्लेट्स के बीच में, ये दो प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में जो है वो क्रिस्टल रखी जाती है. ये ठीक इस तरह, एंड इट्स इलेक्ट्रिकल एनालॉग इज ड्रॉन इन फिगर बी फिर इन. नेक्स्ट हम देखते हैं तो एल क्या है. एल हम जानते हैं इंडक्टेंस होती है, लेकिन मैकेनिक्स में जो एल होता है वो मास के इक्वल होता है. एल इंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टेंस, और जो क्रिस्टल्स में इक्वल होगा ये मास ऑफ क्रिस्टल के. मैकेनिक्स में मास और इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टेंस ये सेम रोल प्ले करते हैं, याद रखना. इसी तरह कैपेसिटेंस और कंप्लायंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये भी याद रखना. रेजिस्टेंस आर इज विस्कस डैम्पिंग, इक्वल विस्कस डैम्पिंग होती है. सी प्राइम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स होती है, और सी प्राइम की जो वैल्यू होती है वो इस सी से वो कहीं ज़्यादा रखी जाती है.
टिपिकल पैरामीटर्स, टिपिकल पैरामीटर्स ऑफ अ 90 किलोहर्ट्ज़ क्रिस्टल्स आर, एल की वैल्यू हम 137 हेनरी लेते हैं, ये टिपिकल वैल्यू दी हुई है। इंडक्टेंस की वैल्यू 137 हेनरी, कैपेसिटेंस 35 पिको फैराड, आर की वैल्यू 15 किलो ओम, चार्ज जो है वो 15 क्यू क्यू फैक्टर, सर चार्ज नहीं, ये क्यू फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है 5500, और सी प्राइम की जो है 3.5 पिको फैराड। सी की वैल्यू जो, सी प्राइम की वैल्यू जो होती है चाहिए होगा 0. ये जो है ना, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट मिस है यहाँ से, ये पॉइंट आना यहाँ पे लगा देता हूँ तो क्या कोई याद ही रहे यहाँ पे ना, ये है 0. ये पॉइंट है, ठीक है, 0.35 पिको फैराड ये, और ये 3.5, तो सी प्राइम जो है वो बड़ी होनी चाहिए ना, सी से बड़ी होनी चाहिए सी से, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये वो क्रिस्टल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाले, ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये जो, ये एक सर्किट है इस तरह से शो किया गया है। अच्छा अब इसका जो इक्विवेलेंट है वो ये है, ये एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में लगाए जाते हैं, और ये पैरेलल में सी प्राइम लगाया जाता है, तीनों के पैरेलल में सी प्राइम लगाया गया सर्किट, और ये ग्राफ शो किया गया रिएक्टेंस का, ठीक है, रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये कब है जब जो है वो पैरेलल होगी कैपेसिटेंस, ठीक है, मतलब ये इन दोनों की रिएक्टेंसेस कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में, रेजिस्टर के साथ पैरेलल में, और पैरेलल में या सीरीज में होंगी तो फिर ये उसके लिए, ये एफ पी जो है फ्रीक्वेंसी है पैरेलल सर्किट के लिए, और ये सीरीज सर्किट के लिए ये ड्रॉ किए गए हैं, रिएक्टेंसेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। दीज आर द सर्किट डायग्राम, अब देखें ये सर्किट डायग्राम है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही आर एफ सी, वही आर वन, आर टू, आर ई बाईपास कैपेसिटर, ये सारी उसी तरह ही एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सिर्फ ये जो चीज़ है ये वाली क्रिस्टल, ये वाली, ये इजाफा है, ये वाला इधर, ये ठीक है, ये पैरेलल रेजोनेंस के लिए है, और ये सीरीज रेजोनेंस के लिए है, ये सीरीज रेजोनेंस के लिए सर्किट है, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो टैंक सर्किट था ना कॉलपिट ऑसिलेटर में, टैंक सर्किट, तो टैंक सर्किट की बजाय ना हमने क्रिस्टल लगाई हुई है, ये क्रिस्टल लगा दी है, ये इतनी पोर्शन लगा दी है, ठीक है, तो ये फ़र्क है। The series resonant frequency is given by, series resonant frequency ये होगी हमारे पास fs is equal to 1 over 2 pi, fs is equal to 1 over 2 pi lc under root, ठीक, और series resonant frequency हमारे पास कब होती है, series resonant frequency जिसको हम fs से denote करते हैं, which occurs when the series capacitance resonates with the series inductance, ठीक है, हम जानते हैं ना कि C और L जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, जब R की वैल्यू बहुत कम होगी ना तो हम जानते हैं इंडक्टर और जो जो कैपेसिटर है जो सीरीज में लगे हुए हैं, ये क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती ना, तो जब ये दोनों आपस में रेजोनेट करेंगे, रेजोनेट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के जो रिएक्टेंसेज हैं वो जब इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, जब एक्स एल और एक्स सी का जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, या दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट बिहेवियर में होती है तो ज़ीरो आ जाएगा, डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा, हम कहते हैं रेजोनेंस हुई है,
ठीक। सो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच अकर्स व्हेन द सीरीज कैपेसिटेंस, सीरीज कैपेसिटेंस ये वाली सीरीज कैपेसिटेंस रेजोनेट्स विद द सीरीज इंडक्टेंस। ये दोनों सीरीज में लगे ना, ये आपस में रेजोनेट करते हैं, मीन दोनों की जो रिएक्टेंसेज हैं वो इक्वल हो जाती हैं, या दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाता है। एट दिस स्टेज, जब ऐसा हो जाएगा, एट दिस स्टेज द क्रिस्टल इंपीडेंस विल बी द लीस्ट, इंपीडेंस लीस्ट हो जाएगी ना, सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ फीडबैक विल बी लार्जेस्ट, अमाउंट ऑफ फीडबैक विल बी द लार्जेस्ट। ठीक है, मैथमेटिकल जो फार्मूला है ये आप जानते हैं, ये सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1/2 पर एलसीएम रूट होता है। नो व्हाट अबाउट पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ पी से डिनोट करते हैं, एफ पी से हम डिनोट करते हैं, तो ये इक्वल होता है 1/2 पर एल सी इक्विवेलेंट अंडर रूट। ठीक, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। अब पैरेलल रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ पी विच इज एग्जिबिटेड व्हेन द रिएक्टेंसेस, ठीक, ऑफ दी एल एंड सी, सी एल एंड सी इक्वल्स द रिएक्टेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटेंस सी प्राइम। मतलब एल और सी इन दोनों की जो कंबाइंड रिएक्टेंस है, ये जो दोनों मौजूद हैं, इन दोनों की कंबाइंड जो रिएक्टेंस होगी जब वो पैरेलल में लगे हुए, हमने जो पीछे पढ़ा है सर्किट, लगे हुए सी प्राइम के बराबर हो जाएगी, तो उस वक्त हम कहते हैं ये रेजोनेंस अक्कर हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन एल और सी जो हैं वो रेजोनेट कर जाते हैं विद सी प्राइम, एल एंड सी रेजोनेट विद सी प्राइम। एट दिस इंस्टेंट द क्रिस्टल इंपीडेंस विल बी द हाईएस्ट, पैरेलल में जो इंपीडेंस होती है वो हाईएस्ट होती है, एंड देन द फीडबैक विल बी द लीस्ट, फीडबैक विल बी द लीस्ट। अब हम लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्राइम, क्योंकि सी प्राइम जो थी वो सी से बहुत बड़ी थी, इसलिए जब ये आंसर आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C उल्टा देंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी लिख देंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी आ जाएगा। सो ये जो चीज़ है इसको हम सी जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एफ पी इज इक्वल टू 1/2 एल सी अंडर रूट, और आप देखें एफ पी और एफ एफ इक्वल हो गए हैं, मीन पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, एफ पी जो होती है बड़ी होती है एफ एस से, पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज इंडिकेटेड इन फिगर सी जो आपने ग्राफ पीछे पढ़ी है उसमें, वेयर एज रिएक्टेंस जीरो है एट एफ एस एंड एक्स इन्फिनिटी एफ एफ पी। एडवांटेजेस ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर विच आर गिवन बिलो। क्या, द क्रिस्टल ऑसिलेटर हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, ठीक है, 40 किलोहर्ट्ज़ से लेके 100 मेगाहर्ट्ज़ तक
जो फ्रीक्वेंसी है वो आप इससे जनरेट कर सकते हो क्रिस्टल से बाय यूजिंग क्रिस्टल ऑसिलेटर। सो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी से मिलती है। ऑल्सो द क्रिस्टल ऑसिलेटर इज पॉसिबल टू ऑब्टेन वेरी हाई प्रिसाइज एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स। इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। अब हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्योंकि दे आर सूटेबल ओनली फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये सूटेबल नहीं है, दे आर नॉट सूटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसीज। क्रिस्टल ऑफ लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इजली अवेलेबल। Applications of crystals oscillator in the design of microprocessors and microcontrollers, crystal oscillators are used for the sake of providing the clock signal. In 8051 microcontroller, ये number है microcontroller का 8051. An external crystal oscillator circuit will work with 12 megahertz, that is essential. This particular crystal oscillator, which is having cycle rate at 1 megahertz to 3.3 megahertz, is used to generate clock pulses. It is required for the synchronization of all the internal operations. Uske alawa yaad rakhiyega, crystal oscillators are compact in size and are of low cost, due to which they are extensively used in electronic warfare systems, communication systems, guidance system, microprocessors, microcontrollers, space tracking systems, measuring instruments, medical devices, computers, digital systems, instrumentation, phase locked loop system, modems, sensors, disk drivers, marine systems, telecommunication, engine controlling system, clocks, global positioning system, cable television systems, video cameras, toys, video games, radio systems, सेलुलर फोन, टाइमर्स एट्सेट्रा। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं, इनके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर की। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।